गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शनल नंबर के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम उसके बारे में और आपको बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था दो डिजिट होती हैं। एक जो फ्रैक्शन है वो दो नंबर से बनता है। जो टॉप वाला नंबर यानी ऊपर का जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो बॉटम का नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि फ्रैक्शन में यहाँ आपको फ्रैक्शन दे रखा है 3/4। इस 3/4 में 3 जो है वो है न्यूमरेटर और जो 4 है वो है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर और नीचे वाली डिजिट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, दिस नंबर शोज हाउ मैनी इक्वल पीसेज और पार्ट्स ए होल नंबर होल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू। यानी कि डिनोमिनेटर हमें बताता है कि एक पूरी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। जैसे 4 है, कोई भी अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बना होता तो उसमें 4 यानी कि उस स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो ये हुआ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं या कितने पीसेस किए गए हैं। बराबर, न्यूमरेटर, दिस नंबर शोज हाउ मैनी ऑफ दीज पीसेस और पार्ट्स आर बीन कंसिडर्ड। न्यूमरेटर हमें बताता है कि इन 4 में से या फिर इन सभी इक्वल पार्ट्स में से कितने नंबर को हम लेते हैं। यानी कि 4 पार्ट किए गए थे एक स्क्वायर के, उनमें से कितने को कंसिडर किया गया, कितने को माना गया, 3 को। तो ये होता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसकी कुछ इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। स्किल इवेल्युएट का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द शेडेड पोर्शन ऑफ द इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इस पोर्शन में इनके लिए इन सभी पिक्चर्स के हिसाब से शेडेड पोर्शन वगैरह के हिसाब से आपको इनका फ्रैक्शन लिखना है। जैसे आप देखिए, हमने आपको बताया जितने इक्वल पार्ट्स उतना होता है उसका डिनोमिनेटर, और जितने का शेडेड होता है या किया गया होता है उतना होता है इसका कंसिडर्ड किया गया पार्ट न्यूमरेटर। तो इसका डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इक्वल पार्ट्स में है तो डिनोमिनेटर क्या हुआ इसका 6। न्यूमरेटर हो गया 2, 1 और 2, 2 शेडेड पार्ट है, न्यूमरेटर 2 अपॉन में 6। बी देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्क्वायर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 1 पोर्शन इसका शेडेड है। शेडेड पोर्शन हम न्यूमरेटर यानी ऊपर की डिजिट, तो आगे 1, और टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं 8, तो वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या जितने इक्वल पीसेज हैं उसके, उतने हो गए उसका डिनोमिनेटर, और जितने पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो हो गया उसका न्यूमरेटर। सी देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 5, और इसमें 2 पीसेस शेडेड हैं, न्यूमरेटर क्या हुआ 2। डी है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 इक्वल पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 8, न्यूमरेटर हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आया यहाँ पे हमारा 3, 3/8। इनकी फ्रैक्शन क्या बनी 2/6, 1/8, 2/5, 3/8, ये होगा इनके लिए फ्रैक्शन। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है, कलर वन पार्ट ऑफ ईच फिगर रेड ब्लू और ऑरेंज टू शो 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। आपको इन सभी डायग्राम में या तो 1/2 बताना है, 1/3 या फिर 1/4, और सबके लिए आपको 1/2 के लिए आपको रेड कलर, 1/3 के लिए ब्लू कलर और 1/4 के लिए ऑरेंज कलर फिल करना है। अब जैसे देखिए 1/2 कैसे होगा, यानी कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके 1 में हम कौन सा कलर करेंगे रेड। क्या कलर करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है रेड, तो आप यहाँ पे रेड कलर फिल करेंगे, R E D रेड कलर।
सभी बच्चे इसमें रेड कलर फिल करेंगे। ऐसे ही बी, 1 2 3 4, फोर इक्वल पार्ट्स हैं, तो फोर इक्वल पार्ट्स के लिए हमें कौन सा कलर करना है, ऑरेंज, 1/4। किसी भी एक पार्ट में, कोई सा भी, इन चारों में से कोई सा भी एक पार्ट आप ऑरेंज कलर का करेंगे, कौन से कलर का, ऑरेंज। सी है आपका 1 2 3 4, ये भी फोर पार्ट्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4, और उसके लिए आपको एक में ऑरेंज कलर करना है, किसी भी एक में ऑरेंज कलर फिल कर देंगे आप। यहाँ भी 1/4 है, 1 2 3 4, 1/4 कब होगा, जब एक चीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा और एक शेडेड, तो चार पार्ट इसके हैं, एक शेड करेंगे ऑरेंज कलर से। ऐसे ही है 3, 1 2 3, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3, तो एक में हम कौन सा कलर, ब्लू कलर, किसी भी एक पार्ट में ब्लू कलर फिल करना है। आप इनके कलर के हिसाब से ही इसमें कलर फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ है आपका 2, 1 और 2, 2 इक्वल पार्ट, तो फ्रैक्शन में 1, यहाँ भरेंगे आप एक में रेड कलर, सिर्फ एक हिस्से में, दोनों या पूरा ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक एक पार्ट ही करना है, क्योंकि आपका तीनों का न्यूमरेटर 1 है। अब ये देखिए 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल और ये चौथा एल, तो इसके चार पार्ट में एक में आप करेंगे इसमें ऑरेंज कलर, एक साइड में ऑरेंज, ये 2 है तो एक साइड में रेड, ऐसे ही इसमें 3 है तो एक साइड में ब्लू। समझ में आया ना बच्चों आपको, ये आपको इसमें यही तीन फ्रैक्शन शो करने हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, आज का आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद से अपनी बुक में सॉल्व करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फ्रैक्शन के हिसाब से पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी थी 1, ये 2 थे, 2 पार्ट में डिवाइड है और इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 1/2, तो यहाँ 1/2 फ्रैक्शन है। आप कोई भी डायग्राम बना के उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर के हिसाब से उसमें एक में शेड कर देंगे। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे एक सर्कल, उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक साइड को, एक पोर्शन को कलर कर दिया, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 1/2। ऐसे ही 2/3 का कोई भी चीज़ है, कुछ भी बना सकते हैं आप इसे, और 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए 1 2 3 पार्ट, और इनमें से 2 पार्ट को आपने शेड कर दिया, एक ये वाला कर दिया कोई सा भी और एक ये वाला, तो ये हो गया हमारा 3। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, ए बी सी डी और पीछे दे रखे हैं आपको ई और एफ, 2/6 और 4/9, ये है आपका आज का होमवर्क। आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।